हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल में रविवार को स्नातक दिवस समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डेंटल कॉलेज के सचिव डॉक्टर प्रवीण श्रीनिवास, परी फाउंडेशन के निदेशक रोली गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर के श्री कृष्णा एवं उप प्राचार्य डॉक्टर अंकुर भार्गव सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। इस आयोजन में 45 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। मैं आप लोग ज्वाइन किए थे, मैं 2017 से लेकर 2021 तक कंट्रोलर था। उस समय आप लोग स्टूडेंट थे, बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ जो यूनिवर्सिटी आया करते थे। और ये काफी आज के दिन में हमारे कुलपति जी को आना था, लेकिन कुलपति जी का एकाएक तबीयत बहुत ही खराब हो गया, जिसके चलते उनका संदेश लेकर हम आए हैं और उनका संदेश आपके सामने पढ़कर बताएंगे उन्होंने आप लोगों के लिए क्या बोला है। और से आपका संदेश है, ग्रेजुएट डे वर्तमान में छात्र छात्राओं के लिए स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत का दिन है। यह दिन रोशनी, उजाला और भविष्य की संभावनाओं का दिन है। इस दिन सामूहिकता, सहभागिता और मित्रता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता और संपूर्णता वे हो। इस दिवस पर आप सभी छात्र छात्राओं को कोटिश बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए संस्थान की ओर करें और अपने स्वयं भविष्य के निर्माण में यह दिन प्रेरक तत्व की तरह काम करें।